गौरव के सागर विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथा भगवान बुद्ध और महात्मा तथा भगवान बुद्ध और बुद्ध से डॉक्टर भीमराव को सतत नमन करते हुए आपकी सभा के अध्यक्ष और आपकी सभा के अध्यक्ष मंगलकामना जन्म हुआ उसी ने उनको परिणाम हुआ और उसने उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये दिन ऐसा है जिसको कोई जो भविष्य है वो कोई भूल नहीं सकता और हमेशा से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आपका जो प्रोग्राम है कार्यक्रम है ये भारतीय जनता दिल्ली प्रदेश का प्रोग्राम और मुझे ये कहते हुए बहुत ही दुख है कि हम यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो सब किसी संस्था के पदाधिकारी हैं या फिर केंद्रीय कार्यक्रम के पदाधिकारी हैं। कार्यकर्ता का तो बहुत ही कम लोग आए हैं जो हमारे यूनिटी को दर्शाता कि हम लोगों से अपने जो मेन जो है उसे बढ़ा पाते हैं। मैं इतना बड़ा तो धार्मिक नहीं हूँ, भगवान बुद्ध के ऊपर मैं आप लोगों को अपने विचार आपको दूँ या भगवान बुद्ध को जिन्हें मैं आपको आपको सुनाता दूँ। मैं तो इतना बता रहा हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो हमें दिशा शिक्षा दी है उस पर चलते हमारा कल्याण होगा और इसी के चलते हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। यह मानना है कि हम अपने बच्चों को मालिक बनाए ना कि नौकर। अगर हम अपने मन में ये विचार कर लें कि हमें अपने बच्चों को मालिक बनाना है तो शायद आने वाले जो युद्ध है वो हम लोग को याद रखेंगे और उसके साथ ही जब हम जैसे आपको लगता है कि 2 ग्रंथ जो हमारा आंदोलन हुआ था उसमें हम लोगों की व्यापार में बड़ी कोई वो नहीं था कि भाई किसकी दुकान बंद करा है किसका बाजार बंद करा है क्योंकि हमारा लोगों का बाजार नहीं है और यही कारण था कि हम लोग इतने सफल नहीं होगा जितना हमारा चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने दोस्तों को जो इसमें बदलते हैं अपने व्यापार में बदलते हैं या अपने मालिक बन सकते हैं उनको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात हम लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। यूनिटी की इतनी दिक्कत हो रही है कि ऊपर से लेकर और नीचे तक सब गड़बड़ है। मुझे कहते हैं बहुत दुख है कि हम जो यहाँ बैठे हैं लोग अब सभी को दुख है कि हम जो करना चाहते थे वो हम कर नहीं पा रहे जिसके कारण हमें समाज के अंदर जाना मुश्किल हो रहा है। आप लोगों को बता दिए आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की झांकी निकली थी लेकिन नहीं निकली क्यों? क्योंकि हम आपस में यूनिटी नहीं है। यूनिटी का हमारा ये हो रहा था अगर हम यूनिटी रख लेंगे क्यों नहीं हो रहा होगा? हम जो लोग सरकारी नौकरी नहीं है या हम लोग हमें समय मिलता है तो उनको चाहिए कि हम अपना समय दें और जिस जिस लेवल पर हम बैठे हैं जिस जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं उस लेवल पर हमें काम करना चाहिए।